4 जून को रिजल्ट देखेंगे कि भ्रष्टाचार के ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को मान्यता देने के लिए लोग वोट करने वाले। और इसे झारखंड की धरती से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, ये पैसे का दुरुपयोग, पैसे धनबल से जनबल को खरीदने का एक पूरी कोशिश और जितनी भी पोस्टिंग से हुई है चुनाव के दरमियान आगे पीछे, वो सारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है पूरी तरह से उतर चुकी है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, आज लालू यादव जी का जो भाषण आया है, जो वक्तव्य आया है, चुनाव के समय आया है कि भाई मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, साफ दिखलाता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र के पीछे सिर्फ है कांग्रेस ही नहीं है, ये सारे अलायंस जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं वो उनके पीछे खड़े हैं। और खड़े होकर के ये सभी लोग जिससे मुस्लिम तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार करके और ध्रुवीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत और झारखंड की जनता कभी भी इसको पूरा नहीं होने देंगी। और इस बार के चुनाव में इन सबको पूरी तरह से साफ कर देगी, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को खत्म कर देगी, पैसा पकड़ाने से जेल जाने से इनको लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखता है। इनको याद रहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर यदि एक उदाहरण है जहां से आरक्षण खत्म किया गया है सरकारी प्रतिष्ठान से, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहाँ से दलितों और आदिवासियों का आरक्षण को खत्म कर दिया गया और वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही रखा गया। पहले इससे पहले सब लोगों को आरक्षण था, ये तो कांग्रेस के इतिहास में हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी को जब उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद के कोर्ट ने जब उनको ये घोषित कर दिया कि भाई आपका निर्वाचन अवैध है, तो उन्होंने क्या किया, उसको स्वीकार करने के जगह पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर, पूरे देश के अंदर अपने सत्ता को हासिल कर लिया। बिल्किस बानो का केस आपको याद है, जब बिल्किस बानो का केस में जब न्याय पहुंचने लगा, कोर्ट का निर्णय पहुंचने लगा, तो राजीव गांधी जी ने, कांग्रेस ने पूरे कानून को ही बदल दिया। जिन लोगों ने 130 से ज्यादा बार इस देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया हो, जिन्होंने 1956 में आजादी के 10 साल के बाद ही एक सीपीएम की चुनी हुई सरकार केरला को हटा करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया हो, ऐसे लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं, ऐसे लोग आज लोकतंत्र को खतरा बताते हैं, तो यह हास्यास्पद है। संविधान पहले से ज्यादा सुरक्षित है, सामाजिक न्याय पहले से ज्यादा पारदर्शिता के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और संविधान प्रदत्त जो अवसर है सबके लिए समानता का, मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं के कारण आज घर घर तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर के इस इलेक्शन में अपने हारे सुनिश्चित देख करके ये पूरे कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के लोग बौखलाए हुए हैं, षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं, पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और जो है अपने अफसरों के माध्यम से चुनाव में जो है अपना पक्ष प्राप्त करने का लगातार कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत चंपई सोरेन जी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उन पर जो है जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि उस पर एफ आई आर होना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो कि ये सारे पैसे किनके हैं और पैसे किनके पास और भी रखे हुए हैं, वो मिलना चाहिए। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।